हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुड़ और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। उसकी वजह ये थी कि अगर आप इसको रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं ना, तो इसलिए आपके खाने को पचाने में बहुत मददगार होता है। और अगर आपको सर्दी या ज़ुकाम होती है तो आप इसे हल्दी वाले दूध के साथ थोड़ा सा गुड़, या फिर ऐसे भी आप गुड़ खाकर लेट जाइए, पानी मत पीजिएगा, तो इससे सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलता है। आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गुड़ को चक्कू की सहायता से बारीक कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, और इसमें आधा चम्मच देसी घी मिलाना है। फ्रूट्स मिला लीजिए। अब लेंगे हम ब्रेड। ब्रेड के किनारे की परत को हटा देंगे जो स्लाइस हैं, और बस इसे चक्कू की मदद से हटा देंगे। अब मैं दो तरह का नाश्ता बताऊंगी। एक आप इसमें से जो भी आपको ज़्यादा पसंद है ना, आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगता है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो सबसे पहले हमने 2 ब्रेड लिए हैं, इसमें हम बीच में स्टफिंग भरेंगे और फिर किनारे किनारे में थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब एक में हमें दूसरा ब्रेड लगा के चिपका देना है, और जो दूसरा रेसिपी के लिए हमने बनाई है ना, उसमें एक ही ब्रेड को मोड़ कर चिपका देना है। तो बस ऐसे ही आप दोनों बनाकर रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे ही हमने ब्रेड सारे तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने मोड़ कर हाफ हाफ करके रेडी किया है ना, उसमें घी लगाएंगे। आप अंदर भी इसमें घी ज़रूर लगाइएगा ब्रेड में, उसके बाद स्टफिंग भरना है। और बस इसे घी लगा कर सेक लीजिए। ये देखिए कितना टेस्टी है, और ड्राई फ्रूट भी पड़े हैं तो बहुत ही हेल्दी होगा। और जो दूसरी रेसिपी है ना, आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकती हैं। पर मैं अभी एक और रेसिपी आपको इसी से बताऊंगी। ये जो दूसरी रेसिपी के लिए हमने ये बड़े जो ये सिंगल 2 पीस वाले ब्रेड को तैयार किया है ना, इसे सेक लेंगे एक तवे पर, और बस इसे ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, उसे प्लेट में रख दीजिए एक साइड। अब जो हमने मलाई वाला दूध लिया है, उसमें जो गुड़ बचा कर रखा था ना एक साइड, उसे मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और बस अभी जो दूध मलाई वाला गुड़ वाला पेस्ट हमने रेडी किया ना, इसको इसी ब्रेड में ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसमें ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालिएगा और इसे इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आया।